जनता ऑटो एवं ई रिक्शा चालक ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष फरद अली इदरीसी के नेतृत्व में यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा ऑटो चालकों की समस्याओं को लेकर अंबेडकर पार्क में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष फरद अली इदरीसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई कंपनियां और ऑटो एवं ई रिक्शा पर अपनी कंपनियों का उत्पाद का प्रचार हेतु इन वाहनों का इस्तेमाल कर रही है। प्रचार हेतु इनके पास कोई भी परमिशन किसी भी विभाग से नहीं होती, जबकि प्रचार हेतु परिवहन विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत से परमिशन लेनी अनिवार्य है, क्योंकि इससे सरकार की आय होती है, ताकि सरकार द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड का इंतजाम नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत करा सके। अगर कंपनियों के प्रचार हेतु परमिशन लेती है तो सरकार के कोष में बढ़ोतरी होगी, मगर कंपनियां इसको नजरअंदाज करते हुए अपने प्रचार अवैध तरीके से करती है। न्यू जनता ऑटो एवं ई रिक्शा चालक ट्रेड यूनियन इसका पुरजोर विरोध करती है। प्रेस वार्ता के माध्यम से न्यू जनता ऑटो एवं ई रिक्शा चालक ट्रेड यूनियन प्रशासन से इस पर कार्यवाही करने का निवेदन करती है। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य रूप से पार्क में ठेकों के नाम पर अवैध वसूली प्रमुख रूप से समाप्त की जाए, परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार जग जाहिर है उसे समाप्त किया जाए आदि इन जैसी कई मांगों को पत्रकारों के सामने रखा गया। प्रेस वार्ता के दौरान चौधरी मुमताज आलम, धर्मेंद्र मुल्तानी, शमीम खान आदि लोग मौजूद रहे। जी सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पवन कुमार शर्मा। पवन जी, आज प्रेस वार्ता की जा रही है, किन मुद्दों को लेकर जा रही है, क्या मुद्दे हैं? प्रेस वार्ता हमारे ऑटो चालक, रिक्शा चालक, इन सभी साथियों के साथ समस्त उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण जो चल रहा है, इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने का काम करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं समस्याओं को लेकर प्रदेश वार्ता बुलाई गई है। हमारी समस्याएं प्रमुख रूप से हैं कि समस्त उत्तर प्रदेश में पार्किंग ठेकों के नाम पर जो हमारे चालकों के साथ वसूली की जाती है, अवैध रूप से वसूली की जाती है, उस वसूली पर रोक लगाई जाए। दूसरी मांग हमारी यह है कि परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए, जिससे चालकों के साथ साथ आम जनमानस भी त्रस्त रहता है। तीसरी मांग हमारी यह है कि ऑनलाइन चालान जो किए जाते हैं, वो लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ कब चालान की प्रक्रिया अपनाई गई, उनका कसूर क्या था, लेकिन वो धोखे से कर दिए जाते हैं, जिससे चालक बंधुओं के साथ साथ आम जनमानस भी त्रस्त रहता है। व्यक्ति अपनी बाइक लेके जा रहा है, उसका चालान हो गया, उसको पता ही नहीं कब क्या हो गया, हमारा कसूर क्या था। तीसरी मांग हमारी यह है कि नियमानुसार सभी जनपदों में टैक्सी स्टैंड मुहैया कराई जाए, शासन के निर्देशानुसार और माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जो सुविधाएं टैक्सी स्टैंड में दी जाती हैं, बैठने के लिए टीन सेट होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए, कुछ मैकेनिकों के वहाँ बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि हम सड़क पर वाहन न खड़े करके पार्किंग स्थल में अपने वाहनों को सही करवा सकें। इन सुविधाओं के साथ हमको टैक्सी स्टैंड मुहैया कराए जाए, ये हमारी समस्या है और इसकी मांग है हमारी। एक मांग हमारी यह है कि कुछ कंपनियां समस्त उत्तर प्रदेश में अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार करती हैं, जिनमें ऑटो पर हुड लगाना, ई रिक्शा पर स्टपनी कवर लगाना और कई तरीके के स्टीकर और पंपलेट चिपका के प्रचार प्रसार किया जाता है, जबकि कंपनियों की तरफ से जिन वाहनों पर प्रचार की सामग्री लगाई जाती है, उनके लिए 100 रुपया, 50 रुपया या 200 रुपया चालकों को दिया जाता है, ताकि वो हमारा प्रचार प्रसार कर सकें। लेकिन इनके कर्मचारियों द्वारा जो प्रचार प्रसार करने आते हैं, उनके द्वारा पैसा न देने के साथ हम लोगों का शोषण होता है। वो हमसे 100-150 रुपये लेकर हमारे ऊपर प्रचार सामग्री लगाते हैं, इसका हम विरोध करते हैं और शासन प्रशासन से और जनपद के सभी अधिकारियों से मांग करते हैं कि संयुक्त रूप से अभियान चलाकर इन पर रोक लगाई जाए, ताकि हम लोगों का आर्थिक शोषण रुक जाए। ठीक, धन्यवाद। मेरा नाम फरद अली इदरीसी हूँ। फरद अली, यूनियन में किस पद पर हूँ? मैं न्यू जनता ऑटो एवं ई रिक्शा चालक ट्रेड यूनियन का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज प्रेस वार्ता की जा रही है, किस संबंध की जा रही है, क्या मुद्दे हैं? पहला मुद्दा हमारा ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऑटो वालों को अब स्टैंड दिए जाएँ, और दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमारे ऑटो वालों को क्या कहते हैं, जो ई चालान हो रहे हैं, वो ई चालान अब बंद करे जाएँ। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो आईटी ऑफिस में बैठ के दलाली कर रहे हैं, जो 500 रुपये का काम है वो 5,000 रुपये तक ले जा रहे हैं, उन कामों को बंद करा। इन मुद्दों को लेकर आज प्रेस वार्ता की गई है, क्या मांग उठाएंगे? तो पहली मांग हमारी ये उठाई गई है कि जो ऑटो में लगने वाले प्रचार हैं, उनको तत्काल ही बंद करा जाए। जिन कंपनियों के पास में परमिशन नहीं है,
उनका प्रचार हम अब ऑटो पर नहीं चलने देंगे। किस तरह का प्रचार किया जाता है ऑटो पर? जैसे कि कोई भी कंपनी आती है वो हुड लगा के अपना प्रचार करती है, जैसे कि अभी सोलर बारी कंपनी ने बधाइयों के अंदर प्रचार करा, बनारस के अंदर प्रचार करा, और उन्होंने यूनियन वालों के साथ में बदतमीजी करी और ऑटो वालों से अभेद उगाही करी, यानी ऑटो वालों को पैसे देने की बजाय उनसे अभेद उगाही करके के कहते सोलर बारी कंपनी के लोग क्या कहते उगाही करके लेके गए हैं, और उसमें हमारे जिला अध्यक्ष से उन्होंने बदतमीजी की। इस संबंध में किसी अधिकारी से शिकायत की आपने? जी हमने क्या कहते हैं शाहजहांपुर बरेली लखीमपुर बिजनौर अमरोहा में सब जगह क्या कहते हैं डीएमओ को ज्ञापन हमारे जिलाध्यक्षों ने सौंपे। मुरादाबाद में किसी अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा? जी हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है।